नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के चत्तरगढ़ पट्टी के अंदर। साथियों, मेरे आने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर एक गरीब विधवा महिला ग्रुप लोन लेती है, लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पर LCD लगी हुई थी। साथियों, ये देख सकते हैं यहाँ पर LCD लगी हुई थी, लेकिन अब LCD नहीं लगी हुई है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ फाइनेंस कंपनी जो ग्रुप लोन के जो कंपनी है उनके लड़के आते हैं, 7-8 लड़के आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, घर पर आकर LCD उतार कर चले जाते हैं। साथियों, दुर्भाग्य की बात है, गरीब को और गरीब बनाया जाता है। गरीब को ग्रुप लोन इसलिए दिया जाता है ताकि वो अपना कोई काम धंधा कर सके और इसके साथ साथ वो अपनी आजीविका कमा सके, लेकिन इनके साथ अन्याय और अत्याचार हमेशा से होता रहा है। नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार, मैंने देवी। हाँ जी, पूरी कहानी क्या है जी, बताएं। वो घर में आए थे LCD वो लेने, किस्त लेने के लिए, तो कहता किस्त नहीं है तो LCD तार के ले जाएंगे, हम बेच के ना किस्त पूरी करेंगे। वो फिर LCD लेके चले गए। घड़ी घड़ी में कहते किस्त दो। अरे भाई, किस्त एक पड़ी है, ले जा तू। क्या नाम, एक नहीं लेंगे हम तो सारी लेंगे। बोलने लगे कितनी किस्त पेंडिंग थी आपकी? कोई हिसाब ही कोई हिसाब तो कोने लोन ही चल रहे, एक ही पेंडिंग थी, एक ही रह गई। वो तो शुक्रवार से शनिवार ही होया, इतनी देर में तो वो ले ही गए शनिवार को। आप एक दिन लेट हुए थे? बस एक दिन ही लेट हुए किस्त से, नहीं तो सारी रेगुलर भरी जा रही है। भारत भी उस औरत को बिठा के लेके जा रहे थे, कह रहे थे कि हम तो उसको बिठा के लेके जाएंगे थाने में, देंगे इसको बबली का। कितने रुपए की किस्त थी उसकी? तो 1700 है, मेरी 2000, बहू की तो भरी दी। आपकी कितनी रुपए किस्त थी? 2000 रुपए की। तो आज कितने लड़के आए और आपको आकर क्या कहने लगे पहले ये बताओ? वो कह रहे किस्त जमा कराओ, नहीं तो हम तो ऐसे सामान ले जाएंगे। LCD हाथ लगी वो ही लेके चली गई, कह रही ये पहले पैसे किस्त जमा करा दो, LCD दे देंगे। कितने बंदे आके लेके गए? कितने बंदे? वो तो 4-5 से भी ज्यादा थे, 6-7 थे। आकर क्या बोलने लगे? वो कह रहे किस्त जमा कराओ, नहीं तो LCD दो, हम अपना रिपोर्ट कराएंगे, हम आपके एप्लीकेशन लिखने लग गए। लड़का घर था, कभी उसका नाम लिखे, कभी बहू का लिखे, विड्राव दे रहा था भाई तेरे ने ना। अब वो आने सारे के सारे वो अंदर बढ़ गए, यहाँ का बैठ गए, कभी किसी की फोटो लें, कभी किसी की फोटो लें। सकते हैं साथियों किस तरीके से यहाँ पर फाइनेंस कंपनी वाले आते हैं और इनकी LCD उतार कर चले जाते हैं, फरार हो जाते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम श्रवण कुमार सैनी है जी। हाँ जी, ये लेडीज मेरी चक्की से रिलेशन है मेरा इनके, अच्छा मेरे पास आते हैं, दुख सुख में हम साथ इकट्ठे ही हैं। जो भी है इन्होंने लोन लिया था, मैंने ही दिलाया था इनको लोन, ये भी नहीं है विमुखरते। एक किस्त इनकी ड्यू हुई है और एक किस्त ड्यू हुई है, हमने एक अभी शनिवार को ले जाना, सारी गली भी गुआ है और उन्होंने हाथापाई करने को, और एक लेडीज बबली उसको तो बिठा के ले जाते हैं बार बार, कल भी आए हैं लेके उठा बिठा के और मेरी दुकान के आगे जाके खड़े हो जाते हैं, मेरे को तो कुछ कहते नहीं, इनको बहुत तंग करते हैं, इनके पास है नहीं, ये मेरे से उधारे मांगते हैं पैसे भी, भाई किस्त भरवा दे। मैं कह कोई तेरे को कुछ नहीं कह सके थाने, इनको ये कहते हैं उल्टे भी, तू थाने में चल, हम तेरे को थाने में लेके जाएंगे। इसके लड़के को भी धमकी देके गए हैं और इनकी LCD लेके चक्के, और बाकी गली से आप पूछ सकते हो, सारी गली से तो जिस मर्जी से पूछ, इनके साथ क्या किया है। मैं ये कह रहा हूँ भी लेडीज को लोन दिया है तो ऐसा कोई है उनके गड़बड़ जो गुंडों की तरह हो, 10-10 जने आते हैं, 15-15 जने आते हैं और लेडीजों को धमके दे, अरे एक किस्त नहीं भरी, अगली गिर इकट्ठी भर देते, क्या आफत आ रही थी है पर वो मानते नहीं। हमने कहा भी ड्यू कर दो, आप ड्यू क्यों नहीं करते इनकी, ड्यू कर दो इनकी। ये आप देख सकते हैं साथियों किस तरीके से यहाँ पर इसने दिन रात गुंडागर्दी मचा रखी है। फाइनेंस कंपनी, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कंपनी है फाइनेंस की, जो कंपनी है उन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है और किस तरीके से दिन रात लोगों को लूटने का ठेका ले रखा है। यहाँ पर आते हैं घर में आके आकर गुंडागर्दी करते हैं और LCD उतार कर चले जाते हैं। लड़के दे कह रहे सर ऐसे ऐसे लोन दिया था उसको क्लाइंट को, 2 सास-बहू उनके घर पे लोन चला है। अच्छा, ठीक है, 3 हफ्ते पहले 17 सितंबर को लोन बटा था उसकी बहू को। ठीक है, हमारी वीकली किस्त आई शुक्रवार की। ठीक है, 2 मेंबरा का, एक तो उसकी सास का लोन चल रहा है, उसका चल रहा है 4300 किस्त उनकी, हर 4-5 महीने पहले 4 महीने के लगभग उसको लोन बटाया उसकी सास को, और 3 हफ्ते पहले उसकी बहू को लोन बटाया। ठीक है, किस्त के लिए हमारी जो ये इनकी किस्त भरता था ना लड़का, कोई सरवण नाम का है, चक्की चुक्की भी है, चत्रगढ़ में है, उसने पैसे भरने से कह रहे मेरे पास किस्त आती है, इनके पास ही आती है हर बारी, यही देता था हमारे को किस्त। उस दिन हमारे शुक्रवार को सेंटर में किस्त नहीं आई इनकी,
ठीक है, शुक्रवार तक हमने शाम तक इसका वेट किया, इससे बात भी करी, ये वो लास्ट में बोला मैं जानता ही नहीं तीन क्लाइंटों को, तीन क्लाइंट है, एक बबली है, एक मैंने, एक पूजा है, अभी मैं जानता ही नहीं सर, तुम्हारे को पता हो, तुम्हारे पास एड्रेस हो, जो भी कुछ आप तोलो, मेरे पास इनकी किस्त नहीं है, टोटल 5,500 रुपए किस्त बनती थी तीनों क्लाइंटों की। अच्छा, वीकली वीकली किस्त इनकी हफ्ते की शुक्रवार की, ये हमने डॉक्यूमेंट निकाल निकूल सुबह घर निकाल लिया, इनका टोल लिया हमने शनिवार में, शनिवार में घर पे आ गए, ऐसे ऐसे महाराज जी आपके लोन चल रहे, आपकी किस्त नहीं जमा हुई, किस्त नहीं जमा हुई, बोले सर किस्त तो हमारी सरवण ने भरनी है, मैं सरवण ने कौन सा पैसा ले रखा है, पैसा तो आपके नाम पे है ना, नहीं सर हमने तो पैसा उसको दे रखा है, जो भी है पैसा जिसके नाम पे हम तो उसी को बात करेंगे, बिल्कुल, सरवण ने हमारे को मना कर दिया, भाई मैं जानता ही नहीं तीन क्लाइंटों को पैसे, हालांकि वही दे रहा था हमारे को लेके इनसे, उस दिन मना कर दिया, हम इनसे बात करी, मानती आप नहीं भरना पड़ेगा तो पैसा दो, हमारी किस्त रुकी, काम रुक गया, हमारी सेकंड शनिवार की छुट्टी दिन के चक्कर में छुट्टी भी खत्म हुई, वो खराब होगी, फिर इन्होंने क्या बोला सर हमारे पास तो पैसा नहीं, मैं पैसा दो कैसे मर्जी अरेंजमेंट को, एलसीडी थी इनकी जो भी इन्होंने खुद उतार के इनको हमारे स्टाफ को दिया कि ये ले जाओ, जब तक हमारी किस्त नहीं आएगी मंडे तक कि आप रख लो और हम ले जाएंगे, ये बात है सर और कोई बात नहीं इसमें। यार ये बात आओ, आपके स्टाफ को वो एलसीडी खुद उतार के क्यों देंगे, वो तो रो रही थी कभी एलसीडी वो उतार सर के, मेरी बात सुनो, मेरे स्टाफ को एलसीडी उन्होंने खुद उतारी है, इसने लड़के ने वीडियो भी बनाई है उसकी, जो उसका लड़का है ना मैना का संजय नाम का लड़का, ठीक है, उसके गली मोहल्ले में आप बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, जाके अभी कसूर किसका, क्योंकि इन्होंने अपना लोन उठा के किसी तीसरे पर्सन को दे रखेगा, थर्ड पर्सन को, उस थर्ड पर्सन ने हमारे को किस्त नहीं दे, फिर हम तो क्लाइंट के पास ही जाएंगे ना, हमारे को तो पैसा चाहिए, मतलब है ये बताओ, एलसीडी हमने उठा रही नहीं सर, उन्होंने खुद दे ही हमारे को निकाल के, अगर ये ले जाओ और जब हमारी किस्त आएगी सोमवार तक हम दे देंगे, ये बात है एलसीडी रून से भी रिकवरी कर लेते हो, मेन बात ये है, रिकवरी सर देख एलसीडी में तो उसका लोन पूरा होने वाला को नहीं, ठीक है, उसकी जो एक दिन की किस्त थी एलसीडी अब अभी भी यहीं पे पड़ी है, हमने कौन सा उसको कीमत थोड़ी कर दी उसकी, बेच दी, उसने मेरे पास दोबारा कॉल भी किया था मैंने उसको आंटी को शाम के टाइम, मैं ऐसे ऐसे बात नहीं गई, पैसा दे जा वो ले जाएंगे, ले जाना अपने यार एलसीडी ले जा, सिक्योरिटी के तौर पे हैं, सिक्योरिटी के तौर पे आपने रखी एलसीडी, क्या सर आपने सिक्योरिटी के तौर पे रख रखी है एलसीडी, सिक्योरिटी के नहीं, वो वहीं पे पड़ी है, सेंटर सुंटर पे डाल रखी है, वो यहाँ पे हमारे पास नहीं है, सेंटर पे जहाँ पे किस्त चलती है हमारी, हम अपने पास नहीं लेके आए उनको,